हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर फॉर यू। आज के इस वीडियो से हम लोग वर्डप्रेस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो वर्डप्रेस की सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को 4 पॉइंट्स क्लियर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे व्हाट इज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस मतलब क्या है। सेकंड पॉइंट होगा यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस की क्या हिस्ट्री है। थर्ड नंबर पॉइंट होगा यहाँ पे विच टाइप्स ऑफ वेबसाइट कैन बी क्रिएट विथ यूजिंग वर्डप्रेस, वर्डप्रेस की मदद से हम लोग कौन सी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। और जो फोर्थ नंबर पॉइंट होगा यहाँ पे What is the difference between the WordPress.com and WordPress.org? तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं WordPress वेबसाइट का नेम आप लोगों सेम शो होगा, लेकिन उसके आगे जो डोमेन कोड है एक में .com है एक में .org। तो यहाँ पे ये दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पे WordPress.com और WordPress.org ये वेबसाइट का क्या यूज है, क्या डिफरेंस है। ये दोनों मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ये फोर्थ नंबर पॉइंट होगा हम लोगों का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द WordPress.com एंड WordPress.org। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज अ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप लोग मैं बता दूं, वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप लोग अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं, या खुद की कोई वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, या किसी दूसरे को आप लोग वेबसाइट क्रिएट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे वर्डप्रेस ये ब्लॉग क्रिएट करने के लिए और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो वर्डप्रेस है, ये वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आप लोगों को ओपन सोर्स दिया गया है। तो यहाँ पे जो वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर के लिए चार्ज देना नहीं है। आप लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट से इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जो भी लोकल मशीन है उस पर आप लोग इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम अपना कोई ब्लॉग या फिर पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में बिना कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज के। ऐसे याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिना कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज के। आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट, अपना ब्लॉग या दूसरे किसी को अगर आप लोग वेबसाइट क्रिएट करके देना है तो आप लोग बड़े आसानी से उसे क्रिएट करके दे सकते हो। और इसी वर्डप्रेस की मदद से आप लोग अपने हिसाब से अपने ब्लॉग को या फिर अपने वेबसाइट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को पता ही है वेबसाइट क्रिएट करना है, उसके बाद उसमें अगर कुछ मॉडिफाई करना है आप लोगों, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली वहां पे उसे मैनेज कर सकते हो। क्योंकि वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे CMS कहा जाता है। ये जो CMS है इसका काम है कि आप उसका यूज करके अपने कंटेंट को अपने हिसाब से मैनेज कर सको। क्योंकि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी एक CMS जिसका यूज वेबसाइट बनाने के लिए ही किया जाता है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे PHP और MySQL से बनाया गया है। लेकिन जो वर्डप्रेस के CMS की तरह और भी बहुत सारे CMS है, जैसे कि टुम्बलर है, जुमला है, ऐसे बहुत सारे CMS है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है वर्डप्रेस का CMS। तो यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ कि वर्डप्रेस का जो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जितने भी वेबसाइट क्रिएट किए जाते हैं, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर यहाँ पे वर्डप्रेस के CMS का है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं आप लोगों को W3Techs इस वेबसाइट की मदद से आप लोग बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे W3Techs और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गई। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप लोग मैं स्क्रॉल डाउन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं वर्डप्रेस यहाँ पे टॉप में आप लोग फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे शो होगा, जिसका यूजर्स 43.0% है। ये जो चेंज किया हुआ है सिंस 1 जुलाई 2022 का है। और यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं मार्केट शेयर सबसे ज्यादा यहाँ पे वर्डप्रेस का है, 64.3% मार्केट शेयर यहाँ पे है। जो वर्डप्रेस जो सेम इस यूज करते हैं उसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। या फिर जैसे आप लोग यहाँ पे दूसरी भी एक वेबसाइट है आप लोग उससे भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये किंस्टा की वेबसाइट है, ये किंस्टा की वेबसाइट पे भी अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने ये वेबसाइट ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वर्डप्रेस मार्केट शेयर। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल वेबसाइट में यहाँ पे वर्डप्रेस का जो शेयर है यहाँ पे आप लोग देख रहे 43 है। और यहाँ पे अगर CMS मार्केट शेयर आप लोग देख रहे 65% आप लोग यहाँ पे शो रहा है। तो यहाँ पे दो वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं 64.3 मतलब वहां पे राउंड फिगर यहाँ पे 65 यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे वर्डप्रेस कितना पॉपुलर है और इसका मार्केट शेयर कितना ज्यादा है। उसके बाद में आज के इस वीडियो का सेकंड पॉइंट यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस की हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे जो वर्डप्रेस है, मिशेल वाल्ड्री के नाम के एक फ्रेंच प्रोग्रामर ने 2001 में ब्लॉगिंग टूल बनाया था जिसे B2 कैपिलॉग नाम दिया गया था। लेकिन 2002 में वाल्ड्री ने इसका डेवलपमेंट बंद कर दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो 2003 में मैक मुलिंगवेयर
और माइक लिटल नाम के दो लोगों ने इसी टूल से आइडिया लेकर वर्डप्रेस बनाया और फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया, जिस वर्जन को यहाँ पे 0.7 नाम दिया गया। उसके बाद फिर 2004 में वर्डप्रेस में पहली बार प्लगइन सिस्टम जोड़ा गया। अभी प्लगइन सिस्टम क्या है इसके रिलेटेड मैं अलग से इसकी वीडियो क्रिएट करूंगा, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद में फिर 2005 में यहाँ पे पहली बार यहाँ पे जो वर्डप्रेस है इसके अंदर थीम सिस्टम ऐड किया गया और एक डिफॉल्ट टेम्पलेट डाला गया। डिफॉल्ट टेम्पलेट मतलब जब भी आप लोग वहां पे वेबसाइट, जैसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो इसके लिए क्रिएट करूंगा उसमें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि जो ये वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर है इसे हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, उसके बाद में अपने लोकल मशीन पे हम लोग उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में उसे कैसे यूज करेंगे, पूरा डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। उसके अलावा इमेज अपलोड का फंक्शन उसमें डाला गया, इंपोर्ट सिस्टम को इंप्रूव किया गया, ऐसे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे उसके अंदर एड किए गए वर्डप्रेस के अंदर। उसके बाद में आज के इस वीडियो का थर्ड नंबर पॉइंट है, विच टाइप्स ऑफ वेबसाइट कैन वी क्रिएट विथ यूजिंग वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की मदद से हम लोग कौन सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसमें जैसे आप लोग अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट या फिर ब्लॉग, स्टैटिक वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, जॉब पोर्टल, पोर्टफोलियो, बिजनेस वेबसाइट, स्कूल कॉलेज वेबसाइट, बिजनेस डायरेक्टरी, ई कॉमर्स, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इसकी जैसी वेबसाइट है, इतने सारे आप लोग स्क्रीन के ऊपर जितने देख रहे हैं वेबसाइट, इतने सारे वेबसाइट आप लोग क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस की मदद से। साथ में ये जो वेबसाइट है आप लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के ये आज के इस वीडियो में आप लोग क्लियर नहीं करूंगा, इसके रिलेटेड मैं आप लोगों का अलग से एक वीडियो क्रिएट करूंगा, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग समझ गए वर्डप्रेस से आप लोग इतने सारे वेबसाइट आप लोग क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आज के इस वीडियो का फोर्थ नंबर पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्डप्रेस.कॉम एंड वर्डप्रेस.ओआरजी। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है, मैं आप लोग पहले ही बताया, लेकिन आप लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वर्डप्रेस.कॉम और वर्डप्रेस.ओआरजी, तो यहाँ पे वर्डप्रेस वेबसाइट का नेम सेम है लेकिन एक में .com है और एक में .org। तो यहाँ पे इसी के ऊपर इसका जो अलगपन है यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं जैसे आप लोग यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ वर्डप्रेस की हम लोग वेबसाइट ओपन करेंगे। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर देंगे, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ गूगल क्रोम हम लोग यहाँ पे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैं आप लोग गूगल में टाइप करके बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस जैसे हम लोगों ने टाइप किए, टाइप करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आप लोग दो वेबसाइट से होंगे, एक वर्डप्रेस.कॉम और नीचे जैसे आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस.ओआरजी। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस का है, सबसे पहले मैं आप लोग यहाँ पे वर्डप्रेस.कॉम के बारे में बता देता हूँ। जैसे हम लोग वर्डप्रेस.कॉम इस वेबसाइट को ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप लोगों को कोई प्लान परचेस करना है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे कोई वेबसाइट आप लोग होस्टिंग वगैरह करना है तो यहाँ पे प्लान से, जैसे मैं यहाँ पे प्लान पे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख लोगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्लान दिए हुए, जो फ्री प्लान भी है और आप लोग मंथली है, ईयरली, ये सारे प्लान यहाँ पे दिए गए। तो जो फ्री वाला प्लान है तो यहाँ पे आप लोग एक याद रखना है, अगर आप लोग यहाँ पे फ्री वाला प्लान ले रहे हो और अगर अपनी वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर रहे हो तो होस्टिंग करने के बाद में जो भी आप लोगों की वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे वर्डप्रेस कुछ ऐड लगा देगा और जो ऐड लगाने के बाद में जो भी ऐड का पैसा होगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा होगा वो पूरा वर्डप्रेस के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप लोग यहाँ पे पेड प्लान देख लोगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पर्सनल प्लान है, प्रीमियम प्लान है और बिजनेस प्लान है, ई कॉमर्स प्लान है। तो यहाँ पे ये सब पेड प्लान है। तो यहाँ पे जो प्लान दिए गए यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से मंथली या फिर ईयरली आप लोग प्लान ले सकते हैं, या फिर आप लोग जैसे फ्री में चाहिए तो आप लोग फ्री भी ले सकते हैं। तो आप लोग समझ गए वर्डप्रेस.कॉम, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई प्लान परचेस करना है तो यहाँ पे जैसे मैं बैक कर देता हूँ, अब बैक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे दूसरा ऑप्शन है वर्डप्रेस.ओआरजी। अगर इसके ऊपर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद में इस लिंक पे हम लोगों ने क्लिक किए, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गेट वर्डप्रेस, आप लोगों को यहाँ पे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे गेट वर्डप्रेस पे भी क्लिक कर सकते हैं या डाउनलोड वर्डप्रेस पे भी क्लिक कर सकते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग समझ गए आज के इस वीडियो का जो फोर्थ पॉइंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्डप्रेस.कॉम एंड वर्डप्रेस.ओआरजी। तो वर्डप्रेस.कॉम ये जैसे गोडैडी जैसी वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग कोई ना कोई प्लान परचेस करना है या फिर फ्री में भी ले सकते हैं, और जो आप लोग वर्डप्रेस.ओआरजी है तो यहाँ पे आप लोग जो सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस का मिल जाएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग अपने यहाँ पे डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे जो भी लोकल मशीन है उस पर आप लोग प्रैक्टिस के लिए उसे यूज कर सकते हो। तो आप लोग ये डिफरेंस समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही वर्डप्रेस के बारे में आप लोगों को बताना था जो मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों के फोर पॉइंट्स क्लियर किया। ये फोर पॉइंट्स के अलावा भी अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन है या जो भी डाउट्स है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।